देखिए ये सपना साकार हो गया। हमारे उधर देख रहे हैं गंगा जी का कितना ठंडी है। देखिए जैसे ही काफला खत्म हुआ मोटरसाइकिल का, देखिए फराटा किस तरीके, बहुत खुश है पटना बाद। नहीं थैंक यू बोलना चाहते हैं ऐसे रोड के लिए, कर रहे हैं बहुत ही परफेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए दिल से भाई लव यू। ये गिफ्ट मिला यही बहुत बड़ी बात आज है। आज आपका जन्मदिन है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलिखा घाट से का सफर गाय घाट तक तय किया गया है मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। तो नीतीश कुमार आने वाले हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे पूरा खाली करवा दिया गया है, देख रहे हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, देखिए। यहाँ से गाय घाट के लिए प्रारंभ हो गया है, अब यहाँ से गाय घाट जाने वाले हैं, अब वहाँ पे फीता आयोजन शुभारम्भ करेंगे। यहाँ से हो चुका है PMCH को जो रास्ता है पूरी तरीके से। देखिए काफिला तेजी से निकलता नज़र आ रहा है, अभी फिलहाल हम भी उधर चलेंगे। तो मरीन ड्राइव फेस टू का उद्घाटन हो चुका है और नीतीश कुमार जी फीता कर दिए हैं, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ से चल गए हैं वो गाय घाट की तरफ, अब वहाँ आज आपका जन्मदिन है, आज जन्मदिन के तोहफे पे यहाँ पे आए, इनॉग्रेशन हुआ है फेस टू का जो दीघा से गाय घाट की ओर जाने वाली रास्ता पे। तो आपको क्या गिफ्ट मिला, क्या सौगात मिला? बहुत बड़ी सौगात मिली, जैसे हमें आने जाने में सुविधा होगी और अशोक राजपथ के ट्रैफिक में झंझट में फंसेंगे नहीं, तुरंत अशोक राजपथ पहुंच जाएंगे और फड़फड़ाते हुए जाएंगे, यही बहुत बड़ी गिफ्ट मिली। आज आपका जन्मदिन है तो आज सब इनॉग्रेशन भी हुआ, आज खुशी नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल देख ही रहे आपके चेहरे पे मुस्कान, तो ईद चमक रहा मत पूछिए। चलिए चलिए सही है, थैंक यू बोलना चाहते हैं ऐसे रोड के लिए। ऐसे ऐसे काफी अच्छे रोड बन चुके हैं जो सौगात दिए हैं। बस ट्रैफिक नियम में थोड़ा सुधार करवाना चाहते हैं। ट्रैफिक नियम में कि उसमें जैसे चलान कटवा रहे हैं सब गाड़ी का, प्राइवेट गाड़ी का, उस तरह से ऑटो वाले का भी चलान कटना चाहिए। बिल्कुल, हर मोड़ पे ऑटो वाले के कारण बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल, उसके कारण ऑटो वाला ऐसा गुंडा है जो कि पब्लिक उतना बड़ा गुंडा नहीं बन सकता जितना ऑटो वाला बन जाता है। ऑटो वाला क्योंकि उसके कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बस ऑटो को सुधार करा दे, बहुत बड़ा है। मैं इधर गायघाट में ही रहता हूँ, मैं इधर गया था दीघा मरीन ड्राइव घूमने के लिए, ताजपा चला कि आज ही इसका ओपनिंग है, तो मैं इधर ही चला आया। एक घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कि इसी रोड से मैं घर जाऊंगा। घर हुआ है आपका? मैं गायघाट, प्रॉपर गायघाट के रहने वाला हूँ। आप 5 से 10 मिनट के अंदर एकदम, इसके लिए तो बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा की यहाँ से गाड़ी खोलेंगे। मतलब आप मरीन ड्राइव आने के लिए, इधर आने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा? एकदम नहीं, पहले सोचते थे उधर से घूम के आ रहे हैं ट्रैफिक में, एकदम क्लच ब्रेक परेशानी होती है तो बहुत ज्यादा ही है। फिलहाल वो भी हम ही लोग के लिए आराम के लिए, आज कष्ट कर रहे हैं तो आगे चल के आराम आपको मिल सकता है। जो काम कर रहे हैं बहुत ही परफेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए दिल से भाई लव यू। अरे बहुत ही, हम बहुत ही उनको सही बोलते हैं। चलिए एकदम बहुत खुश है पटना वासी को, तो खुश होने का गौरव का क्षण है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आए देखने के लिए। देखने के लिए भी, और पटना साहिब हमको जाना है, पटना साहिब। तो मतलब 5 मिनट के अंदर आप पटना साहिब पहुंच जाइएगा आज ही।
अच्छा देखिए जैसे ही काफला ख़त्म हुआ मोटरसाइकिल का, देखिए फराटा किस तरीके से लोग जाने के लिए बौखला गए हैं। अब यहाँ से एकदम गाय घाट के लिए जाइए, 5 से 10 मिनट के अंदर आप पहुँच जाइएगा। जैसे ही नीतीश कुमार यहाँ से इनॉग्रेशन करके गए, यहाँ देखिए गाड़ी आना जाना शुरू हो चुका है लोग, तो हम भी चल दिए हैं, थोड़ा हम भी सैर करते हैं और आपको अपडेट देते हैं कि इस पे गाड़ी चलाने में कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा रहा भाई। थोड़ा गाड़ी धीरे धीरे चलना है और इंजॉय लेते हुए देखिए कितना आनंद आ रहा है। वो तेरी गज्जब भाई, इधर गंगा जी का जो हवा, ठंडी हवा, हेलो भैया, हेलो, गंगा जी की ठंडी हवा एंजॉय कीजिए। मरीन ड्राइव का एकदम गंगा पथवे पे इतना आनंद आ रहा है ना, देख लीजिए। हेलो, देखिए देखिए किस तरीका से लोग एंजॉय करते जा रहे हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे यहाँ पे आने में। आप बताइए अशोक राजपथ से जाते थे कितना टाइम लगता, कितना टाइम वेस्ट होता, क्लच गियर ब्रेक मारते मारते परेशान हो जाते। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि बहुत सुकून मिला है, काफ़ी 6 मिनट में हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। देखिए भैया किस तरीका से फर्राटा मारते हुए जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए चलिए, क्या फायदा होगा लोगों को, कम समय में जाम से मुक्ति मिलेगी, कम समय में लोग जा सकेंगे यहाँ से। गाय घाट के पास देखे थे कितना आनंद आ रहा है, यहाँ पे लोग काफी ज्यादा भीड़ संख्या में हैं। यहाँ के लगता पुतना पूरा पटना गाय घाट लोग उठ के आ गए हैं देखने के लिए, इनॉग्रेशन हुआ था यहाँ पे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लगता है इसमें काम भी किए हैं? क्या किए हैं हम लोग इसमें? वो गटर बनाया, स्लैब किया है। तो आज इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, तो आज कैसा लग रहा है कि हम पूरी तरीके से फाइनल हो गया है प्रोजेक्ट? फाइनल हो गया, अच्छा लग रहा है। आपके लिए पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट। चलिए भैया कैसे कैसा लग रहा है कहाँ देखने के लिए आया है? अब जाम का झंझट से खत्म, आपका घर यहीं पे पास में लगता है, अच्छा लग रहा है। जैसा कि देख रहे हैं भैया कुछ बताना चाह रहे हैं, जो फेज टू का इनोग्रेशन हुआ। हेलो भैया कैसे हैं? देखिए धन्यवाद आपका, आपके यूट्यूब चैनल का। देखिए ये सपना साकार हो गया, सपना साकार हो गया। हमारे दादा, हमारे पिताजी का जो सपना उन्होंने सुनाया था, कहानी सपना नहीं देखे, नहीं वो कहानी सुनाते थे कि जो है ना सुनाया है कि इधर से रोड बनने वाला, और हम लोग देख लिए, हमारे जनता, हमारे लोग, हमारी सपने को माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना सपना समझकर साकार किया। का सपना आज पूरा हो चुका है, देखिए कितना खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की बात भी है, क्योंकि देखिए सिटी से गांधी मैदान जाने में 2 घंटा व्यस्त होता था, बिल्कुल। अब इससे 15 मिनट में आप सफर कर लीजिएगा। हाथ और सिटी में व्यवसायी है, सिटी में सारे गद्दीदार लोग हैं, बिजनेस का बढ़ावा उच्च स्तरीय पर होगा, ये बहुत आगे जाएगा, ये सपना साकार हो गया। आपके बाद काफी अच्छा दिए हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। हेलो भैया, तो क्या कहना चाहते हैं, आज ये सौगात पूरा हो गया है? बहुत खुशी की बात है, बहुत मस्त है, सबको इनॉग्रेशन को देखने के लिए जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, बिहार बिहार लग रहा है, बहुत काफी खुश है। आप कितना देर से इंतजार कर रहे हैं कि इनॉग्रेशन? 2 घंटा से भैया, 2 घंटा का सपना पूरा हो गया, मतलब पूरा जिंदगी का सपना इनका पूरा हो गया। आइए जाएंगे घूमने के लिए मरीन ड्राइव, 5 से 10 मिनट। हेलो भैया, हेलो कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए आप? लग रहा आपको? अब तो क्लच ब्रेक नहीं लेना पड़ रहा है? कम नहीं, अभी तो नहीं लेना पड़ रहा, नहीं लेना पड़ रहा। कहाँ जाने वाले हैं? क्या कहाँ जाने वाले हैं? अभी तो हम लोग गांधी मैदान के पास जाएंगे, गांधी मैदान 5 मिनट के अंदर गांधी मैदान पहुँच जाइएगा। चलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, 5 मिनट के अंदर आप जा सकते हैं, जाइए। तो देखिए कितना खुश है, आकर लोग नजर आ रहे हैं, लगता है नीतीश कुमार के दिए हैं क्या? अरे भैया हमको क्या दे रहे हैं? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आप रख, अच्छा ठीक है इसको रख लेते हैं, किसी को देने, नीतीश कुमार को देने के लिए लाए थे, ये फूल का जो ओपनिंग हुआ उसी खुशी में। भैया कितना खुश है, कितना खुश नजर आ रहे हैं कि ये फूल का गुलदस्ता देने के लिए आए थे। अब मतलब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसी की वजह से तो हम बहुत खुश हैं। हाँ।
कहाँ पे घर है आपका? हमारा घर ये नारदीघा पे। नारदीघा, तो आप दीघा से आए, पाँच मिनट के अंदर दीघा पहुँच गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। चलिए दीघा से पाँच मनट में आए गायघाट, आप पाँच मिनट में चल जाएंगे दीघा एंजॉय करते हुए। अब तो कलच ब्रेक का प्रॉब्लम तो नहीं होगा? चलिए ठीक है, इसको फिर से आप ही रख लीजिए, किसी और को दे दीजिएगा। हाँ हम तो एंजॉय करते आए, एंजॉय करते जा रहे हैं। और देखिए पराठे किस तरीके से गाड़ियाँ दौड़ रही है, लोग आ रहे हैं, आवागमन शुरू हो चुका है। और देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं भैया, यहाँ गाड़ी भी जा रही है, फोर व्हीलर भी चल रहा है। तो फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है मैंने दिखा दिया है और काफ़ी अच्छा लगा। अब हम वापस दीघा की ओर चल दिए हैं, मतलब वापस अपने रूम के लिए जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना प्यार बनाए रखिएगा, इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और अच्छे से ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए आनंद लीजिए गाड़ी चला के दीघा से गायघाट तक। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।